ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରକୁ ପୁରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ଆଠ ବର୍ଷର ଏହି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ସରକାରର ସେ ଆଠ ବର୍ଷର ସଫଳତା ରଖିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ, ନମୋ ଆପ୍ରେ ଆସିବ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍। ବିଜେପି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ମିଳିବ। ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଧରି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସବ ମନାଇବେ ମୋଦିଙ୍କ 8 ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର। अभी एक वेबसाइट हमने लॉन्च की, माइक्रोसाइट, ये नमो ऐप पर इनोवेशन भारतीय जनता पार्टी का और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के कार्य करने में हमेशा हम सबको दिखता है, और उसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमो ऐप के तहत माइक्रोसाइट में जा करके एक नया मॉड्यूल खड़ा किया है जो इंटरेस्टिंग भी है, इंटरैक्शन भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और इनोवेशन भी है। कोरोना काल रे मोदी सरकार को गरीब कल्याण अन्न योजना लोकों को स्वास्थ्य समस्या सहित आर्थिक समस्या रे समाधान आनी परिछि। समग्र देश रे भारत हुचि एक एमिति देश जिए एही योजना माध्यम रे एही दुईटी समस्या रे समाधान रो बाटो बाहर करि परिछि। 2 वर्ष मध्यरे प्राय 80 कोटी गरीबों को मागणा रे 5 किलो राशन देछि मोदी सरकार। सेहिपरि किसान सम्मान निधि योजना रे प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 2000 टंकार 3 किस्त हिसाब से 10 किस्ती अर्थराशि प्रदान कर सारी 180,000 कोटी टंका यह बाबदे खर्च होसंता का सिमलें 11तम किस्तीर अर्थ प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का 100% गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है उसको देने का प्रयास किया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस हैज बीन एप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। It has been appreciated by IMF, it has been appreciated by World Health Organization, it has been appreciated by UN General Assembly, everybody has appreciated it. Kyun? Kyunki corona ke dauran health issues ke sath sath economic issues ko kisi ne bhi resolve kiya to usme Bharat number 1 par khada hai. 80 crore ki janta ko 5 kilo gehun dena, 5 kilo chawal dena, 1 kilo dal dena, 2 साल से इस काम को चलाए रखना, ये अति गरीबी की रेखा को 0.1% से भी जो 0.8% पे ले जाने में ये बहुत लाभकारी रहा है। आयुष्मान सफलता बखाणिले जेपी नड्डा कहले एबे सुधा 3.28 कोटी लोक एही योजना रे शामिल होई सरलेनी, 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सेवा मिलिछि। देशरे थिबा 22टी एम्स मध्यरु गत 8 वर्ष मध्यरे 15टी एम्स निर्माण होईछि। ସେହିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 11 କୋଟି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ 50 କରୋଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ୟାନି 40% ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅର୍ କ'ଣ ହେ ମେ ବାର ବାର ବୋଲତା ହୁଁ ୟେ କୋଇ କାଷ୍ଟ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ନହିଁ ହେ ୟେ ବାଇ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ହେ ରେଡ଼ିୱାଲା ଠେଲାୱାଲା ରିକ୍ସାୱାଲା ଫେଡ଼ି ଲଗାନେ ବାଲା ରାଗ ପିକର ୟେ ବାଇ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ବାର ବାର ବେଚାରା ଯୋ ବାଲ କାଟତା ହେ जो रेड़ी चलाता है, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को चुन चुन करके 50 करोड़ लोगों को यह आयुष्मान भारत का 5 लाख का एनुअल हेल्थ कार्ड दिया गया है। महिला सशक्तिकरण दिगरे मोदी सरकार को बड़ पदक्षेप उज्ज्वला कनेक्शन। यही योजना रे लोगों को पाखरे पहुंची उज्ज्वला गैस। आत्मनिर्भर भारत आउ एक पदक्षेप स्वरूप घर को बिजली कनेक्शन। 8 वर्ष 6 लक्ष ग्राम को इंटरनेट सुविधा मिली। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत 6 लक्ष गाँव को सड़क सुविधा दिया जाएगी। मोदी सरकार 8 वर्ष कार्यकाल 6.53 लक्ष प्राथमिक विद्यालय निर्माण कर पूर्व शासन गादी में सरकार 70 वर्ष 6.37 लक्ष प्राथमिक स्कूल निर्माण करते। यूनिवर्सल एजुकेशन दृष्टिकोण देश आगक बढ़ुच्छ। प्राइमरी स्कूल्स, हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 70 सालों में शिक्षा विभाग ने 6,37,000 स्कूल्स बनाए थे, और हमारे इस 8 सालों में 6.53 लाख हमारे प्राइमरी स्कूल्स बने हैं। 6 लक्ष गाँ खोला शौचमुक्त, 2.6 कोटी घर बिजुली संजोग, 9.5 कोटी अधिक घर को टैप जगे पानी संजोग, 9.17 कोटी महिला को गैस संजोग, प्रथम थर पर
45 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଗରିବଙ୍କ ବୀମା। କରୋନା କାଳରେ 20 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି। 11.78 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାର 68% ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା। 35 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୁଦ୍ରା ଋଣ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ 31.9 ଲକ୍ଷ ଉଠା ଦୋକାନକୁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିଛି ଋଣ। ପିଏମ୍ ଆବାସରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ନିଜସ୍ୱ ଘର। 8 ବର୍ଷର ଏହି ସରକାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।